और मध्य प्रदेश के राजगढ़ से बड़ी खबर है। स्वस्थ और अवश्यम भावी परंपरा है, यही संदेश कन्या पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको दे रहे हैं। पुत्री, भगनी, पत्नी, जननी, हर रूप में नारी पूजनीय है। सदियों से हमारी संस्कृति में देवी तुल्य नारियों को मानकर पूजते आ रहे हैं और हम सब बेहद खुश नसीब हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला जहां बेटियां बेखौफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबका अभिवादन करते हुए हम भी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ हैं माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, साथ हैं मोहन यादव जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, और स्थानीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद। और आज हम सभी यहां पर एकत्रित हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया सिंगल क्लिक के माध्यम से आज जो मेडिकल कॉलेज की सौगात हम सभी को मिलने जा रही है उसका शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सौगात आज आप सभी को सौंपने जा रहे हैं। राजगढ़ के लिए गौरवशाली क्षण है, बेहद सुखद क्षण है हम सबके लिए। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आप सबकी भरपूर तालियों के साथ। हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगी, आइए हम सभी स्वागत की ओर चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा विनम्र आग्रह, माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट कर। आप सब भी सहभागी बने अपनी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। निवेदन आग्रह माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में हमारा आग्रह माननीय सांसद माननीय श्री रोडमल नागर जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह माननीय श्री बापू सिंह जी तवर, माननीय विधायक राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में हम सब भी भरपूर तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ऐतिहासिक पल है, राजगढ़ जिले को बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय सांसद राजगढ़, प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री का स्वागत करें। माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय सांसद महोदय से हमारा विनम्र आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह आपसे ही माननीय प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय विधायक राजगढ़ श्री बापू सिंह तवर जी से हमारा विनम्र आग्रह, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और आइए आगामी क्रम में बढ़ते हुए एक बार आप सभी से हमारा निवेदन है, आप सबके ओर से भरपूर तालियों से हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे स्वागत के सुप्रम के बाद हमारा आग्रह है प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से आज के इस गरिमामय अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया, हम सबके नेता जननायक परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। हमारे प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी, सांसद रोडमल नागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्टजन और यहाँ इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में उपस्थित हजारों भाइयों और बहनों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं और हम सब यहाँ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। भाइयों और साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान जी, उससे पहले मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज मध्य प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवा दिए हैं और ये केवल 24 ही नहीं, आगे 11 मेडिकल कॉलेज और पाइपलाइन में है। 2024-25 में मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित हो जाएंगे। और भाइयों और साथियों, राजगढ़ जिले के लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज केवल डॉक्टर के निर्माण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जब मेडिकल कॉलेज बनता है और उससे संबद्ध जो अस्पताल होता है उससे गरीब लोगों को इलाज भी मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का। विधायक जी, अरे रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, ये अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत करिए, वंदन करिए। और भाइयों और साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो राजगढ़ जिले पर वैसे ही अभूतपूर्व प्यार है। ये वही राजगढ़ जिला है जहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता था, खेत सूखे रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम राजगढ़ जिले में किया, एक बार जोरदार ताली बजाइए। निश्चित रूप से ये राजगढ़ जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। भाइयों और साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम कर रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और निश्चित रूप से इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को नए कलेवर में स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में लगातार विकास और नवाचार के काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स का निर्माण तो करेंगे ही, उसके साथ ही अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और उनको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजगढ़ जिले में ये नई सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय सांसद जी को हम बुलाना चाहेंगे। इसके पूर्व आज माँ जालपा की नगरी राजगढ़ की धरा पर पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री परम सम्माननीय विश्वास जी सारंग जी,
और हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जी मोहन यादव जी और उपस्थित सभी मंच और हमारे विधायक साथी, क्योंकि समय का अभाव बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऐसे सहज मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और राजगढ़ की धरा पर आए मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन के लिए तो आप सब ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें। साथियों, मैं जरा सी थोड़ा क्षेत्र की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। मैं एक उद्योग की दो तीन मांग और मुख्यमंत्री जी बहुत उदारवादी तुरंत घोषणा कर देते, मिल जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारा जिला पिछड़ा है और यहाँ के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि यहाँ पर एक उद्योग लगवाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। दो बड़ी परियोजना बनने के कारण, अच्छा मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, हमारे राजगढ़ में रोजगार मूलक उद्योग लगा जाए, जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय हमारे यहाँ पर खोला जाए ताकि कृषि प्रधान जिला है। दो तीन मांग तो मांग लें दो। एक राजगढ़ में बाईपास रोड, हमारे बहुत जरूरी, आए दिन दुर्घटना होती है, इसकी घोषणा करें। मोहनपुरा परियोजना में कुछ गांव छूट गए, उनको इसमें शामिल कर दिया जाए। होड़ा माता मंदिर, माता जी का मंदिर का काम बंद पड़ा है, उसमें राशि उपलब्ध करा के, क्योंकि प्राचीन है, माता जी का मंदिर है, जिस प्रकार भव्य मंदिर भैंसों माता में बन रहा है, ऐसा होड़ा माता जी के आपने पैसा दे रखा हुआ 6,23,00,000 रुपया, केवल 80,00,000 मिले, बाकी का पैसा उसे मिल जाए तो निरंतर काम चलता रहेगा। 2 साल से काम बंद पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये बहुत ही जरूरी है। बाकी और सड़कों की मेरी मांग है, वो सड़कें और सारा मांग पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जो क्योंकि समय का अभाव सांसद जी इंतजार कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत कहा तो क्षमा चाहता हूँ। और मेडिकल कॉलेज के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, कि आपने राजगढ़ को बहुत बड़ी सौगात दी। और मैं कमलनाथ जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उनने मंजूर किया था और आपने उस काम को आगे बढ़ाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद। और बेहद संक्षिप्त उद्बोधन के लिए अब हमारा आग्रह है सांसद महोदय से, रोडमल नागर जी बेहद संक्षिप्त उद्बोधन अपना हम सभी को प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस अवसर पर हमारे बीच में जो मंच पर विराजमान है दोस्तों, इस राजगढ़ जिले की जो स्थिति थी आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले, इस राजगढ़ जिले की जो स्थिति थी, हम 3 महीने आधा जिला 3 महीने जिसको अपना घर है उस घर में रहता था, आधा जिला केवल 3 महीने 9 महीने दर दर की ठोकरे खाते फिरते, चराई के लिए मवेशियों के लिए घूमते फिरते थे, अपने बच्चों को पीठ पे लाद करके यहां वहां यातिम यतीम जैसी ठोकरे खाते फिरते थे। इन सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाले, उन सबके जीवन में खुशहाली लाने वाले ऐसे भगीरथ हमारे बीच में उपस्थित है, जहां चारों ओर पानी ही पानी, डैम ही डैम, हम सब लोग उनका हाथ से हाथ खड़े करके हृदय की गहराइयों से वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें, तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे राजगढ़ जिले के क्षेत्र में हर एक नागरिक के जीवन में जो उजाला लाए हैं, खुशहाली लाए हैं, जीवन में बदलाव लाए हैं, इतने रोजगार पैदा किए हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग थे नहीं, आज क्या स्थिति है, नदियों पर बांध थे नहीं, क्यों, नदियां नहीं थी, अभी नदियां नहीं बन गई दोस्तों, इसलिए जिस महामनीषी ने जो हमें उपकार दिए हैं, हमें सौगात दी है।